एक अजीब सा जानवर हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। क्या? चलो दोस्तों। पूर्वजों की धरोहर अग्नि चक्र पर खतरा मंडरा रहा है। हमें किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करनी होगी। सैनिकों की एक टोली भीम और उसके दोस्तों के साथ अग्नि चक्र की सुरक्षा के लिए रवाना होगी और एक बाकी की टोली मेरे साथ ढोलकपुर में ही रहेगी यहाँ की सुरक्षा के लिए। और भीम, अग्नि चक्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मेरे दोस्त आपको कभी निराश नहीं करेंगे महाराज। नक्शा भी हमारे हाथ लग जाएगा और फिर अग्नि चक्र हमारा होगा। भीम, एक अजीब सा जानवर हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। क्या? चलो दोस्तों। बुरा हमेशा बुरी खबर ही क्यों लाता है? बातों का वक्त नहीं है दोस्तों, तैयार हो जाओ।
तुम्हें देखने ही दूर हो गया का। ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। ढोलो बोलो से पहले मैं कालिया का धप्पा करूंगा। वाह, इतने अद्भुत छल्ले यहाँ कैसे आए? मुझे पेड़ पे मिले पेड़। लो, पेड़ पे फल की जगह छल्ले भी उगने लगे। लेकिन इन छल्लों का हम करेंगे क्या? ये मेरा वाला है। मुझे ये छल्ला नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला चाहिए। जो मिला है वो रख लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। वैसे तुम पे जज रहा है कालिया, तुम जोकर जो ठहरे। राजू हो जा बाजू। परी टापू के मैजिक मेले में स्वागत है अच्छी परी। शुक्रिया रानी परी, इस बार मैं आपके लाडले भीम और उसके बहादुर साथियों का साथ लाई हूँ। नमस्ते रानी परी।
रानी परी जी, क्या आप जादू से मौसी के लड्डू ला सकती हैं? अब बड़ी याद आ रही है उनकी। माफ करना दोस्तों, वो जादू तो सिर्फ टुनटुन मौसी को ही आता है। क्यों? आ गया शरबत का स्वाद। कपिला, ऐसे मेहमानों के साथ शरारत नहीं करते। पहले उनसे माफ़ी मांगो और फिर जाकर कुएं से पानी लाने में मदद करो। माफ करो दोस्तों। हमें सबको एक साथ लाना होगा। लेकिन कैसे? क्योंकि इस पर किसी मायावी जादू का असर हुआ है। मैंने मेरी जादुई छड़ी का भी इस्तेमाल किया, मगर कुछ फायदा नहीं। चारों ओर तबाही मची है और तुम झूला झूल रही हो। नहीं अच्छी परी, मैं कुएं पर पानी लेने गई और फिर थक गई तो झूले पर मेरी आंख लग गई। अरे तुम्हारी छड़ी तो रानी परी के पास है ना? फिर ये तो बुरी परी की छड़ी है। अच्छी परी, सही पकड़ा है एकदम। लेकिन अब टापू के इन बहते टुकड़ों को कैसे पकड़ोगी तुम? बाय बाय बच्चों, मैजिक मेले में आने के लिए शुक्रिया। ये क्या हो रहा है अच्छी परी? बुरी परी ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था और उसने अपने जादू से परी टापू के टुकड़े कर दिए। भीम, लगता है उसने टुकड़े टुकड़े पोषण का इस्तेमाल किया है। मगर जितना मुझे याद है, मैं तो शायद उसने कुएं में टुकड़े टुकड़े पोषण मिलाया होगा जो जमीन के नीचे की सुरंगों से सारे टापू पर फैल गया। बिल्कुल सही चुटकी, हमें कुएं वाले टापू के टुकड़े तक पहुंचना होगा। वाह भीम, तुमने हमेशा की तरह परी टापू की रक्षा की। ये तो हमारा फर्ज था। आखिर दावत पूरी किए बिना यहाँ से कैसे जाते? पर कालिया ने कुछ बाकी छोड़ा होता ना। सब हमेशा कालिया का मजाक उड़ाते हैं। तुम भी कालिया होते तो समझ जाते कि कालिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कमर झुकने से लचक आ गई है। अब समझा, जब कालिया ने मजाक में कहा कि हम सब उसकी तरह बन जाएं, तब से हम ना चाहते हुए भी उसकी नकल करने लगे। लगता है कालिया का जोकर छल्ला हमारे छल्लों को कंट्रोल करता है। ना मत पूछना दोबारा, करूंगा तुम सबको वश में आज यारा। जल्दी जल्दी उतारो। हम भूत बनने लगे हैं। राजू, बोलू बोलू, तुम गुब्बारा को व्यस्त रखो, तब तक हम कुछ सोचते हैं। कालिया, सिर्फ तुमने ही छल्ला नहीं पहना है, गुब्बारा का तुम पर कोई कंट्रोल नहीं। कुछ करो। इस गुब्बारे को फोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर मुझे हराना है तो तुम्हें अपने सारे दोस्तों को भी हराना होगा। क्यों दोस्तों? मेरे जादुई छल्ले और तुम्हारा मामूली लड्डू, देखते हैं कौन जीतेगा। हे आक्रमण! अब इन
छलों का क्या मतलब? जब तुम्हारे अलावा इन्हें कोई पहन ही नहीं रहा गुब्बारा, हम में से कोई भी भूत नहीं बनेगा अब। तुमने सही कहा भीम, मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तुम ये सब दोस्त बनाने के लिए कर रहे थे गुब्बारा? और क्या। लेकिन गुब्बारा, तुम भूत हो तो क्या हुआ, इंसान रहकर भी हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ये पी, अब इन छल्लों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे काश वो छल्ले हम एक और बार इस्तेमाल कर पाते। उस्ताद ने हमें इतना नचवाया था, हम भी उन्हें थोड़ा नचवा लेते। अरे उसके लिए मैं हूँ ना। व्यापार मेले में स्वागत है बच्चों। इस साल ढोलकपुर ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के राज्यों से कई होशियार व्यापारियों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। आज तो हमें कमाल के आइडियाज देखने को मिलेंगे। मैंने भी मामा को घर घर समोसा पहुंचाने का व्यापार शुरू करने का एक कमाल का आइडिया दिया था, मगर वो माने ही नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कालिया, सारे समोसे तो तुम्हारे पेट में ही घर बना लेते। दोस्तों झगड़ो नहीं, चलो अभी चाचा के स्टॉल पर चलते हैं। मेरे गायब गैजेट की प्रदर्शनी देखने आने के लिए शुक्रिया महाराज। अरे वाह लड्डू। अरे कालिया, वो मुफ्त के लड्डू नहीं है, उन्हें पाने के लिए तुम्हें सामने दौड़ रही बत्तख को पकड़ना होगा। इतनी सी बात है, अभी पकड़ता हूँ। शाबाश उस्ताद, आप ही हो हमारे बब्बर शेर। अब नहीं बचेगी। अरे नहीं, उस्ताद तो हो गए ढेर। अब मैं कोशिश करता हूँ अभी चाचा। शुक्रिया बच्चों। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। Thank you.
बिंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है, वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है, शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है, यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार, किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का और जश्न कालिया मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। निंजा प्रिंस नहीं। हाँ, ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। भीम, राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। शांतो, निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। शेर पहुंचते हैं, चूहे नहीं।
से जितना भयानक दिख रहा है उतना होगा नहीं। चलो मजे करें। ये देखो मशहूर टोपी वाले जादूगर गोगा। इसलिए तो मैं वैसी ही टोपी लाया हूँ। वाह, तुम दोनों भी छोटे जादूगर लग रहे हो। बड़े जादूगर का वो मशहूर जादू देखने चले। कौन हो तुम लोग? हम जादूगर गोगा का जादू देखने आए थे। मेरे साथ आओ। देखो बच्चों, बलून गया यहाँ से। आखिर बलून मिल गया। पसंद आया लकी का जादू? जादू की कसम। कैसा लगा मेरा जादू? बहुत जोर से लगा मेरे भाई। लेकिन ये कौन सी जगह है और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? ये जादू नगरी है। बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। क्या? पीछे देखो। अभी इन्हें भगाता हूँ, जादू की कसम। ये पेड़ तो कार्डबोर्ड के बने हैं। वो पिक्सीज तो पिंग पोंग बॉल से उड़न छू हो गए। तो दोस्तों क्यों ना पिंग पोंग क्रिकेट हो जाए। पहले बैटिंग मेरी। बाहर का रास्ता ढूंढते हैं। लकी, तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? ये सैंड क्लॉक है। अगर सैंड क्लॉक की सारी रेत गिरने से पहले हम लोग बाहर नहीं निकले तो हम हमेशा के लिए यहीं अटक जाएंगे। लेकिन हम बाहर निकलेंगे कैसे? हमें उस सैंड क्लॉक के पास जो दरवाजा है उससे निकलना होगा। जल्दी चलो उधर। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। वो देखो चाबी। जादूगर गोगा का जादू शुरू हो गया है, जल्दी चलो। आज के लिए काफी जादू देख लिया। नहीं, और जादू नहीं चाहिए। लड्डू का